हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियोज नहीं मिलने वाली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है अभी सोशल मीडिया मीडिया पर वायरल एक वीडियोस का वायरल वीडियोस के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरह से वो वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है और रातों रात जो है एक बच्चा किस तरह से सुपरस्टार बन चुका है। और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशनल भी मिलने वाली है। दोस्तों, काफ़ी मोटिवेट आप लोग होने वाले हैं इस वीडियो से, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। आपको सारा चीज़ मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है वायरल हो जाता है रातों रात और वो सुपरस्टार बन जाता है और उनको जो है बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े नेता लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनका सॉन्ग सभी कोई हर तरफ, बड़े बड़े सिंगर लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मैं इस बच्चे के बारे में सारा चीज़ जानकारी देने वाला हूं और वो बच्चा कैसे वायरल हुआ, पहला सॉन्ग कहां से आया, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी इस वीडियो से मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार और आप सबका आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए अपडेटिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसे ही वीडियोज़ लाऊँ वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी यूट्यूब पर या कोई भी सोशल मीडिया हो उस पर अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, अभी का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बचपन का प्यार, जो कि अभी एक छोटे से बच्चे, छत्तीसगढ़ के छोटे से बच्चे ने इस सॉन्ग को गाया है, बचपन का प्यार। तो चलिए मैं पहले उस क्लिप को आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से जान जाएँ और आपको याद भी आ जाए अपना बचपन का प्यार। जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तू। तो आपने सुन लिया दोस्तों, यही बचपन का प्यार। तो ये कैसे रातों रात वायरल हुआ ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ दोस्तों, ये जो बच्चा है ये छत्तीसगढ़ का है और इस बच्चे का नाम है सहदेव दिर्दो और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये जो बच्चा है दोस्तों, इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और कहा है कि बचपन का प्यार, वाह। भूपेश बघेल जी ने ट्वीट पे भी ये किया है और उनको शाबाशी भी दिया है और उनको सम्मानित भी किया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित भी किया है, ये जो रातों रात वायरल हो चुके हैं इस वजह से। और इनको दोस्तों, इनका जो सॉन्ग है बड़े बड़े सिंगर लोग गा रहे हैं, आप सुने होंगे बादशाह, इंस्टाग्राम पे बादशाह सर ने अपने इंस्टाग्राम रील्स पर एक वीडियो बनाया, रिमिक्स वाला वीडियो, वो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद दोस्तों, एक मोनू अलबेला सिंगर सर ने भोजपुरी सॉन्ग, उन्होंने भी आदिशक्ति फिल्म से एक सॉन्ग गाया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया, वहाँ से भी काफ़ी तेज़ी वायरल हुआ। उसके बाद मिनाज खान रैप सिंगर हैं, उन्होंने भी गाया, बड़े बड़े सिंगर लोग जो हैं इनका सॉन्ग बचपन का प्यार वाला सॉन्ग काफ़ी तेज़ी से गा रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। इस गाने को बड़े बड़े सिंगर लोग गा रहे हैं दोस्तों। और अभी एक दो दिन पहले ही अभी ये जो बच्चा है इनको, इनका नाम जो मैंने अभी बताया सहदेव दिर्दो, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इनको बादशाह सर ने भी मुंबई बुलाया था और उनसे मीटअप किया, उसके बाद अपने सॉन्ग में भी इनको लेंगे और आगे का जो भी होगा सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। दरअसल हुआ ये हूँ दोस्तों, ये बच्चा एक दिन स्कूल गया और स्कूल में सर ने इनसे बोला कि एक गाना सुनाओ, एक सॉन्ग सुनाओ। तो इस बच्चे ने एक गाना सुन रखा था, सोनू मेरी डार्लिंग, प्यार मत भूल जाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। तो यही सॉन्ग इसने गा दिया और सर ने जो है, इनके टीचर ने इनका क्लिप जो है, इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसको सोशल मीडिया पर वो दे दिया। 2019 में इस वीडियो को शूट किया गया था और सोशल मीडिया पर दे दिया और तभी से अभी 2021 में पूरा तहलका मचा रहा है ये सॉन्ग दोस्तों। हर तरफ आपको, चाहे इंस्टाग्राम हो, टकाटक हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह दोस्तों अभी तहलका मचा हुआ है, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। पूरी तरफ अभी यही बच्चा सहदेव दिर्दो जो है छत्तीसगढ़ का, पूरी तरीके से वायरल हो चुका है दोस्तों। अभी हर जगह इनका जो है ये सॉन्ग गाया जा रहा है। तो इस गाने के पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में दोस्तों। आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, ज़रा भी स्किप किए बिना इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये सॉन्ग सबसे पहले कहाँ से आया था।
ये सॉन्ग आया था दोस्तों गुजरात के एक आदिवासी लोक गायक हैं मिस्टर कमलेश बारोट, उन्होंने ही इसको 2018 में गाया था। ये सॉन्ग को उन्होंने 2018 में ही गाया था। उसके बाद दोस्तों इसका जो ये तो गाए थे कमलेश बारोट सर ने, लेकिन इसका जो बोल है दोस्तों ये पीपी बारिया सर ने इनके बोल को दिया है, और इनका म्यूजिक जो है मयूर नदिया सर का है। मयूर नदिया सर ने इसको म्यूजिक दिया है और ये सॉन्ग जो है 2018 में ही तैयार हुआ है। बट दोस्तों अहमदाबाद के मेसवा फिल्म नाम की एक कंपनी को ये सारे राइट्स जो हैं बेच दिए गए थे इन्होंने, कमलेश बारोट सर ने बेच दिया था इस कंपनी को। मेसवा फिल्म्स नाम की कंपनी ने सारे राइट्स इनसे ख़रीद लिए थे और उन्होंने 2019 में इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। और अभी आप सर्च करके मारेंगे अगर बचपन का प्यार सॉन्ग या सोनू मेरी डार्लिंग वाला, तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 4.7 मिलियन दोस्तों 47 लाख प्लस व्यूज उस पे हैं। और ये काफ़ी तेज़ी से, ये सॉन्ग पहले से ही था 2019 से ही, 2018 में गाया गया था लेकिन 2019 से ये यूट्यूब पे है। बट दोस्तों इतना तेज़ी से ये वायरल नहीं था। बट दोस्तों अभी ये जो बच्चा 2019 में गाया था और अभी ये इंस्टाग्राम पे आ चुका है ये सॉन्ग बचपन का प्यार वाला, तो ये बच्चा ही जो है पूरी तरीके से इस सॉन्ग को वायरल कर चुका है। और अभी इस पे नए नए सॉन्ग बन रहे हैं, बादशाह सर ने भी रिमिक्स वाला गाना गाया, मनु अलबेला सर ने भी भोजपुरी सॉन्ग गाया जो कि आदिशक्ति फिल्म पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा गाना है। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा एक मिनाज खान सर ने, उन्होंने भी रैप सॉन्ग गाया, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। अब तो हमको लग रहा है कि इस बार शादी ब्याह या कहीं भी हर एक डीजे पे यही सॉन्ग बजेगा दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा रिमिक्स बन चुका है, एकदम हर तरफ तहलका मचा हुआ है, सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे, तो हर एक आदमी यही गुनगुना रहा है और वीडियो भी बना रहा है दोस्तों। तो कमलेश सर से जब पूछा गया कि आप अगर मतलब मान लीजिए कोई भी सॉन्ग बनाता है तो आप उसको कॉपीराइट दे सकते हैं क्या, तो कमलेश सर ने बोला कि मैंने मेसवा फिल्म्स कंपनी को ये बेच दिया है, उन्होंने ख़रीद लिया है, तो अब वो कॉपीराइट देंगे या नहीं देंगे वो अब मेसवा फिल्म्स कंपनी वाले ही जाने, मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया। और इस गाने का जो क्रेडिट है अभी वायरल जो चल रहा है, इस गाने का क्रेडिट वो अभी इस छोटे से नन्हे से कलाकार को अभी वो क्रेडिट दे रहे हैं, सहदेव दिर्दो को, कि सहदेव दिर्दो के वजह से ही ये सॉन्ग इतना तेज़ी से वायरल हो चुका है। अभी कमलेश सर भी सहदेव दिर्दो को ही, जो कि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उसको ही क्रेडिट वो दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी यूट्यूब पे पूरा हर तरफ आपको यही सॉन्ग मिल जाएगा देखने को, बचपन का प्यार वाला। तो इस वीडियो से मैं आपको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको वायरल होने के लिए जो है किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस बच्चे के पास क्या था। इस बच्चे के पास ना मोबाइल था, ना सेटअप था, ना कैमरा था, ना ट्राइपॉड था, कुछ भी ना था, ना माइक था, कुछ भी नहीं था, फिर भी ये बच्चा कैसे वायरल हो गया। इस तो आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर में जो टैलेंट है वो दोस्तों आपको वायरल करा सकता है और जीरो से हीरो बना सकता है और रातों रात आपको सुपरस्टार बना सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आप नए यूट्यूबरों से या पुराने यूट्यूबरों से यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग डीमोटिवेट कभी ना हो दोस्तों, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हर वक्त मोटिवेट रहना है दोस्तों। और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है दोस्तों। अभी देख सकते हैं इस बच्चे को, इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये देख सकते हैं रातों रात सुपरस्टार अभी सबके चेहते बन चुके हैं और सभी के जुबान पर यही बचपन का प्यार ही चल रहा है और सबको अपना बचपन भी याद आ रहा है, बचपन का प्यार भी याद आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो और वीडियोस आप बनाते रहें, अपने कंटेंट में जान लाएं, धीरे धीरे आप ग्रो करें और अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। आप खुद पर भरोसा रखें दोस्तों, आप वीडियोस पर वीडियोस बनाते रहें, ऐसा ना हो कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें। और जिस तरह से यह बच्चा वायरल हुआ है, हो सकता है आपका 100 वीडियो में एक वीडियो आपका भी वायरल हो जाए और आप भी फेमस हो जाएं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, हर वक्त मोटिवेट रहना है और आप लोगों को अपना कंटेंट देते रहना है। आपका जो दोस्तों का जो क्वालिटी है, आपका जो टैलेंट है वो आपके अंदर में है, कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता है, वो आप खुद उस टैलेंट को अपने अंदर से निकाल सकते हैं दोस्तों और अपने
बाहर के दुनिया में आप उसको तेज़ी से वायरल करा सकते हैं। और सोशल मीडिया अभी इतना जरिया बन चुका है सोशल मीडिया, जो कि आप कहीं भी कभी भी वायरल हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी है। कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके पास नहीं है ट्रैपॉड, अच्छा कैमरा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप वर्क करते रहें, काम करते रहें, आप एक दिन ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम का आप अभी ख्वाब देख रहे हैं। तो इस वीडियो में यही मोटिवेट करना था दोस्तों कि आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। और इस बच्चे का सॉन्ग जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, और इसके पीछे क्या सच्चाई थी वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि ये ओरिजिनल सॉन्ग कहाँ से था, कैसे वायरल हुए, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आपको ऐसे ही धमाकेदार और इंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।